नंबर एक। कर्नाटका के बेंगलोर का श्रवण टीकू नाम का एक बंदा रात 12 बजे अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकला, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही श्रवण की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। रात का अंधेरा, सुनसान सड़क और मुश्किल से एक आध कोई फोर व्हीलर उसके पास से गुजरा था। ऐसे में श्रवण को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए उसने गाड़ी को धक्का देते हुए चलना शुरू किया। लेकिन अचानक से कहीं से स्विगी का एक डिलीवरी बॉय श्रवण के पास आया और उसने श्रवण को मदद करने के लिए कहा। उस डिलीवरी बॉय को कहीं ऑर्डर पहुंचाना था, लेकिन उसने रात के अंधेरे में पैदल चल रहे श्रवण को मदद देना ज्यादा जरूरी समझा। डिलीवरी बॉय ने रस्सी से श्रवण की गाड़ी को टो किया और पेट्रोल पंप तक ले गया, लेकिन वहाँ पर पेट्रोल था ही नहीं। पर फाइनली आगे वाले पेट्रोल पंप से उन्हें पेट्रोल मिल गया। श्रवण ने मदद के बदले डिलीवरी बॉय को 500 रुपए का ऑफर दिया, लेकिन उसको दार डिलीवरी बॉय ने पैसे लेने से ही मना कर दिया और कहा कि भैया आज आप हैं, कल मैं हो सकता हूँ। मैंने आपकी मदद की है, कल कोई मेरी मदद करेगा। गाइस बात तो सही है, इसलिए इंसानियत की मिसाल पेश करने वाले इस डिलीवरी बॉय के लिए एक हार्ट तो बनता है। नंबर दो। गाइस क्या आपको पता है कि अफगानिस्तान का क्रिकेट की दुनिया में डेब्यू पाकिस्तान की वजह से ही हुआ था, और आज उसी अफगानिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया। 1990 के दशक में तालिबान के डर से लाखों अफगानी शरणार्थियों ने पाकिस्तान में शरण ले ली थी, और तब अफगानिस्तान के कई खिलाड़ियों को पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने की ट्रेनिंग दी गई थी। इन खिलाड़ियों में अफगानी खिलाड़ी राशिद खान भी शामिल थे। उन्होंने पाकिस्तान में शरणार्थी बनके क्रिकेट खेलना शुरू किया था, पर पाकिस्तान ने ये कभी नहीं सोचा था कि इसी अफगानिस्तान से वनडे वर्ल्ड कप में उन्हें शर्मनाक हार झेलनी पड़ेगी। और जले पर नमक छिड़कने का काम तब हुआ जब इस मैच में मैन ऑफ द मैच अफगानी खिलाड़ी इब्राहिम जादरान ने मैन ऑफ द मैच का खिताब उन लाखों अफगानी शरणार्थियों को डेडिकेट कर दिया जिन्हें पाकिस्तान ने 1 नवंबर तक अफगानिस्तान वापस लौट जाने को कहा था। गाइस अफगानिस्तान की ये जीत सिर्फ खेल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जीत गरीबी, सुविधाओं का अभाव और सालों से हो रही नाइंसाफी के खिलाफ जीत